लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर्स का, एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? हमने क्या डिस्कस कर लिया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था, राइट? तो अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है तो उसको एन से सिग्निफाई करते हैं, एंड इट्स वैल्यू सिग्निफाइज द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना? इट्स वैल्यू सिग्निफाइज द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना? शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एंगुलर क्वांटम नंबर भी डिस्कस कर लिया था, दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर भी बोलते हैं, सब्सिडरी भी बोलते हैं, और इसके ऊपर एजीमिथल भी बोलते हैं। डिनोट अपन इसको एल से करते हैं, और अपन ने लिखा था इट्स वेरी सिग्निफाई द सबसेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना? और हमने लिखा था इट्स वैल्यू सिग्निफाइज, उसका जो वैल्यू होता है इट सिग्निफाइज द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये भी हमने लास्ट टाइम इतना तो डिस्कस किया था, और हमें लिखा था भाई जो सबशेल होते हैं, सबशेल्स जो होते हैं वो ये होते हैं एस पी डी एफ जी, ऐसे को लिखा था लास्ट। और हमने ये भी कहा था भाई सबशेल्स आर दी वी कैन राइट दैट सबशेल के बाद वैल्यू ऑफ एल फॉर दोस, इनका वैल्यू फिक्स होता है, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ऐसे लिख सकते हैं दिस वैल्यू ऑफ सबशेल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ दी सबशेल्स। दिस वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन शेप ऑफ दी सबशेल ऑफ सबशेल, ठीक है? लास्ट टाइम वी हैव डन दिस पार्ट आल्सो, और हमने इस ऑर्बिटल का शेप भी पढ़ा। तो हमने कहा भाई ठीक है, विल डिस्कस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और राइट ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल, सबशेल भी लिखते तब भी ठीक था बिकॉज उसके ऑर्बिटल होते तो अपन उसे पढ़ लेते। और ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12 प्लस 1 से, है ना? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबशेल, ऑर्बिटल फॉर एनी सबशेल, किसी भी सबशेल का जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो 12 प्लस 1 होता है। ये तो एस के लिए तो एक ही ऑर्बिटल होगा क्योंकि एल का वैल्यू 0 होगा, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होगा तो 2 प्लस 1 3 सबशेल, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। डी के लिए 4 प्लस 1 इट विल बी 5 ऑर्बिटल एंड शो ऑन। We know that each orbital has 2 electrons. The number of electrons in each orbital will be जितना orbitals होगा उसका double हो जाएगा number of electrons. Last time you can have बताया। अभी we can write that shape of orbitals. Of orbitals. तो मैंने आपको last time बताया था कि पहले अपन पढ़ेंगे that is shape of एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। तो स्फेरिकल का मतलब हो गया कि फुटबॉल जैसे शेप का होगा, लिखा पर
सिमेट्रिकल मतलब एग्जैक्ट सिमेट्रिक होगा वो, मतलब इसमें थोड़ा भी ओवल शेप या लाइक दैट नहीं होगा. नॉन डायरेक्शनल मतलब वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट दैट, वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट इन दिस व्हाट आर द एक्सेस एक्स वाई एंड जेड एक्सेस प्रेजेंट इन दिस, हम ये एक्सेस नहीं बता सकते. So it is spherical, yes, it is symmetry, so it is symmetric and non-directional because we are not able to predict कि इसमें ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वो नहीं बता सकते. In this electron can be present anywhere. जो electrons होते हैं, two electrons, वो कहीं भी हो सकते हैं इसके अंदर. यहाँ भी हो सकते हैं, 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 यहाँ भी हो सकते हैं. बट हमारे हिसाब से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, सेंटर में होगी, क्योंकि द टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल विल बिहेव लाइक दैट. अगर मान लो ये रीजन, ये स्पेस हम उस ऑर्बिटल के लिए दे रहे हैं, तो विल से दैट ये रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, ये रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है. बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन होने की कहां होगी, सेंटर में होगी. तो अगर मेरे पास कोई ऐसे एक्सेस बता पाता है, सपोज अपने पास कोई एक्सेस ऐसे होते हैं और इसमें अगर अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको अपन न्यूक्लियस अज्यूम कर लेते हैं, तो ये आर, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज आर. एंगल विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अपन कहते हैं एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इज थीटा. ये हम कोई कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई थीटा एंगल आ गया, तो अपन कहते हैं अच्छा इसका एंगुलर वैल्यू होगा जीरो, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो अपन क्या कहेंगे, एंगुलर वैल्यू को जीरो ही आना चाहिए. व्हाई इट इज सो, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कौन सा जेड एक्सिस है, विच आर दोज एक्सिस. और एक्स वाई जेड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस होगा और z axis will be like this, that will be 90 degree to each other. तो ये x y z axis होंगे. अब इसमें तो axis होता ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊं कि किसके रिस्पेक्ट में कितना एंगल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो तुम कहेंगे नहीं बता सकते, तो आप बोलो कि इसका एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू जीरो होगा, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट on which axis the electron is present. So in this case, we can't predict the axis on which the electron is present. So the value of L, will be equal to zero. इसलिए अपन इसको L का वैल्यू जीरो बोलते हैं, because we cannot predict that. The angle at which the electron is present. So ठीक है भाई, we can write that S के लिए the orbital as this. Now we can write that another orbital. Let us write for P orbital. इनिशियली अगर हम देखेंगे पी ऑर्बिटल को, तो इस इक्वेशन के हिसाब से पी के तो तीन ऑर्बिटल होने चाहिए, तो इट हैज थ्री ऑर्बिटल्स और तीन ऑर्बिटल में एक होगा दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, वेर एक्स वाई जेड आर द एक्सिस. ये ऑर्बिटल्स लिखते हैं अपन, तो फिर से ठीक है, if you have written that it has three orbitals, let us check what will happen. तो we'll say that it has a dumbbell shape, it is directional in nature. Okay, अगर आप directional लिखोगे, इसका मतलब है it will be along one of the axes. It is directional in nature and has dumbbell shape. अभी ना ये dumbbell जो होता है उसको अपन वो भी assume कर सकते हैं, otherwise we can say that
डम्बल शेप ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, जैसे मंदिर में घंटी होती है, अपन को पता है वो कैसे देखते हैं, मंदिर में घंटी होता है ना, उस टाइप का शेप, बेल शेप। तो मंदिर में जो घंटी होगी ना, उसको दो बेल्स जो मंदिर में लगे होते हैं ना, उनको दो बेल्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, मतलब ऐसे होता है, तो दो बेल्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, मतलब जहां ऊपर लगा हुआ तो बेल्स, बेल्स का शेप ऐसे होता है, विनोद है ना, तो आप दो बेल्स को ऐसे ज्वाइन कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज डंबल, तो वो भी एक डंबल जैसे बन जाएगा, तो बेल शेप के लिए, उसलिए अपन उसे डंबल शेप बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी से दैट इज पी एक्सिस में अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं, सपोज ये एक डंबल जैसे लिख रहा है, तुमको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, दोनों के साइज एक जैसे होंगे, थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा तो बदल जाता है, बट दोनों का साइज एक जैसा होगा। तो अगर इसको मैं अलोंग एक्स एक्सिस बोलता हूं, ये एक डंबल जैसे हो जाएगा, बीच में ऐसे जुड़ा होता है, फिर उधर जैसे बेल्स बनेगा था उस टाइप से हो जाएगा। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो मैं इसको पी एक्स बोलने वाला, दिस इज पी एक्स, इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सो दिस इज पी एक्स का शेप। तो y का शेप कैसे होगा, तो विल से दैट y का शेप फिर वही एक्सिस पे बना देते हैं, सो दिस इज द शेप ऑफ y, ये y एक्सिस हो जाएगा, तो x विल बी विल लाइक दिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, और इट विल बी सिमेट्रिक। मैंने आपसे कहा कि दोनों एक जैसे दिखेंगे अपन को, इधर वाला शेप और इधर वाला शेप जो होगा वो दोनों एक जैसे दिखेंगे अपन, राइट, दे आर सिमेट्रिक। फिर z एक्सिस कैसे होगा, तो अपन कहेंगे z को z एक्सिस पर बना देते हैं। अब z एक्सिस ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो z एक्सिस ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू दिस, तो अब ऐसे तो बना नहीं सकते अपन, तो अपन क्या करेंगे उसको ऐसे बना देते, दिस इज z एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है, और यहां ये y एक्सिस है, ये y हो गया, और यहां ये x एक्सिस, ठीक है, यहां इसको अपन x एक्सिस, ये z एक्सिस हो गया। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे देखो भाई आपने कहा डायरेक्शनल, तो मैंने इसको एक्सिस पे बना दिया, आपने कहा डंबल शेप, तो ये जो बने ना ये ऐसे, इनको कहते हैं अपन डंबल्स, डंबल्स का एक तरफ बड़ा पार्ट एक दूसरी तरफ बड़ा पार्ट था, इसलिए दैट वी गेट कॉलिंग इट एज अ डंबल। बट केमिस्ट्री में हम इन डंबल्स को ना, ये जो पार्ट होते हैं ना, इनको अपन कहते हैं लोब्स, क्या बोलेंगे इनको अपन, लोब्स बोलते हैं केमिस्ट्री में। सो पी के दो लोब्स बनेंगे, इसको एक लोब बोलते हैं, इसको एक लोब बोलते हैं, मतलब देयर आर टू लोब्स, there are two lobes in each p orbital, each p orbital, सभी p orbitals में ना दो lobes है, ठीक है, मान लिया। ये जो part होता है ना, ये वाला part, इसको कहते हैं अपन nucleus, ये nucleus होगा। तो अगर ये न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एंटीलोब्स, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंटीलोब्स। लोब्स वो रीजन बताने वाले हैं अपन जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और एंटीलोब्स मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एंटीलोब्स आर आल्सो कॉल्ड नोड्स, नोड वर्ड तो अपन ने पहले भी सुना हुआ है, वेव्स बनाते हैं जब फिजिक्स में, जैसे वेवलेंथ बनाते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसको अपन नोड्स बोलते हैं, जहां वो कट करता है वेव, तो दिस इज कॉल्ड नोड्स, लोब, दैट इज नोड, नोड एंड लोब्स वी हैव रिटन, सो दिस इज नोड। अब पहले अपन इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं नोड्स और लोब्स की डिटेल बात करेंगे। व्हाट आई मीन इज कि भाई जैसे अपन को ये गिवन है, तो ये बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए कि जैसे अपन लिखते हैं कि भाई अगर मान लो ये जो पार्ट, और ये जो पार्ट है ये 3D पार्ट होगा, 3D डायमेंशन पार्ट,
कैसे? तो अपन कहेंगे मान लो अपन अब इसको ना बेल्स की जगह अपन बैलून लेके पढ़ते हैं, अपन को पता है अगर बैलून में एयर फिल करते हैं तो बैलून कैसे दिखेगा, ये बैलून का माउथ है, तो वो ऐसे दिखेगा, तो दिखता ना बैलून, बैलून का शेप। तो वी नो दैट की हाउ द शेप ऑफ द बैलून इज। तो अब अपन क्या करेंगे, दो बैलून के ऐसे माउथ को ज्वाइन करते हैं, एक बैलून इस तरफ है एक बैलून इस तरफ है, और उनके माउथ को यहां ज्वाइन करते हैं, तो दो बैलून दिख रहे हैं ऐसे, समझे ना? ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा अपन, एक बैलून दूसरा बैलून, मतलब इट इज लाइक दिस। तो अब आप ये अज्यूम कर लो कि अगर इस बैलून में फ्लाइज को छोड़ दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी होने की, क्योंकि बैलून के सेंटर में भाई अगर माउथ के पास जाएगा तो वहां वॉल पर टकराने का चांसेस ज्यादा होगा, तो वहां नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगा, बैलून के सेंटर, या अपन कहेंगे जो माउथ है उससे काफी दूर, वहां पर उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा होने का। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि जो उसका प्रोबेबिलिटी है होने का, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब इस रीजन में कहीं होगा, इस रीजन में कहीं उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस रीजन में अगर उसके, क्योंकि ये थीटा एंगल ले गया अपने कि भाई यहां पर ये अपन अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस हो गया, उसके अलोंग किस रीजन में किस थीटा पे वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसी रीजन को अपन बोलेंगे कि दीज आर द लोब्स जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, या ये वो एंगुलर है, मतलब एक बार में पी में क्या होगा, हम एक बार में एक ही एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ही एक्सिस के अलोंग मतलब या तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे। तो अगर एक बार में एक ही एक्सिस के अलोंग हमको इलेक्ट्रॉन का एंगल फाइंड आउट करना है तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम उसका वन बताएंगे। तो इसका मतलब है डी में दो एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करना है, बिल्कुल दैट्स व्हाई इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू टू, हम उसके एंगुलर वैल्यू को क्या बोलेंगे, टू, बिकॉज़ अगर एक एक्सिस के अलोंग के लिए, बिकॉज़ एक बार में एक ऑर्बिटल में जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो ऑन वन ऑफ द एक्सिस अलोंग वन ऑफ द एक्सिस इन दैट ऑर्बिटल विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो p ऑर्बिटल्स px py pz px py pz इसमें अगर px में फाइंड आउट करूंगा तो x एक्सिस के अलोंग लूंगा मैं एंगल, अगर py में फाइंड आउट करूंगा तो मैं py के अलोंग लूंगा वो एंगल, और अगर z में फाइंड आउट करेंगे तो z के अलोंग लेंगे। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन अलोंग वन ऑफ द एक्सिस एट अ टाइम, सो द वैल्यू ऑफ l फॉर दिस विल बी इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, probability of finding electron, electron is along one axis at a time. So value of L will be equal to 1. So L ka jo value hoga na, that will be equal to 1. ठीक है, तो वी गॉट इट कि भाई व्हाई यू आर राइटिंग दैट वैल्यू ऑफ एल, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ दैट, वो शेप की वजह से आप ऐसे बता रहे हो मुझे। नाउ व्हाट वी कैन राइट इज एल का वैल्यू वन है, वी गॉट इट कि भाई इट इज अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। अब इसमें ना आपका क्या करना होता है कि एक दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक ही लोब में प्रेजेंट हो गए, तो विल राइट दैट कि इधर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, आप कहीं भी लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव,
इधर पॉजिटिव लिखोगे तो इधर नेगेटिव लिखूंगा, इधर पॉजिटिव करोगे तो उधर नेगेटिव लिखूंगा. दीज पॉजिटिव नेगेटिव आर वेव फंक्शंस, वेव मैकेनिकल मॉडल. अब इसको अपन वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं. अपन को पता है कि भाई जो अपने क्वांटम नंबर्स लिए हैं ना, ये क्वांटम नंबर्स हमको वेव मैकेनिकल मॉडल से मिले. चलो देखते हैं कि एक बार मैं आपको ये आइडिया देता हूं कि ये वेव मैकेनिकल मॉडल है क्या. व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वेव मैकेनिकल मॉडल, ये जो शेप हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, व्हाई नॉट कुछ और शेप क्यों नहीं बता रहे आप. तो अपन वेव मैकेनिकल मॉडल देखते हैं. अगर अपन सपोज ऐसे करते हैं कि जैसे आप ये एक्स वाई जेड एक्सिस लिख रहे हो, मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे लिख दिया, ठीक है. अगर एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे लिख दिया तो यहां ये न्यूक्लियस है सपोज करते हैं, ये एक्स एक्स के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है ऐसे. तो अगर मैं कोई वेव बनाता हूं, वी ऑल नो दैट व्हाट इज वेव, वेव मतलब आप ऐसे बनाओ, ये वेव ऐसे बनेगा. तो ये वेव अगर न्यूक्लियस से इस तरफ ऐसे बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इधर बना सकता हूं एक्सिस से क्या लो, मैं उस वेव को ऐसे भी बना सकता और इधर भी बना सकता, दैट इज अ वेव. अब हम क्या करेंगे कि भाई ये बताओ आप कि एक्स एक्सिस के अलावा मैं यहां भी बना सकता हूं, अपन एक ही एक्सिस पर डिस्कस करते हैं लेकिन अपन सभी पे बना सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों पे बना सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस हम तीनों पे बना सकते हैं. अब अपन क्या करेंगे, हम इसमें बता सकते हैं एक्स वाई जेड में कि वाई यू रिटन ओनली लाइक दिस, यहां से ऐसे क्यों शुरू किया, ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को अपन ऐसे भी शुरू कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर आप यहां पर ऐसे शुरू करते तो फिर मुझे इस तरफ ऐसे शुरू करना पड़ता, एंड सो ऑन. ये जो बना हुआ ना यही तो है, पी आर बटन. ये वो ओरिजिन है वेव का जिसमें हम क्या बता रहे हैं, ऑर्बिटल को बता रहे हैं. अभी क्या होगा तो अपन कहेंगे देखो भाई लिखोगे साइन वेव फंक्शन का तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा, और इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, तो ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है. मतलब जो अपन एक वेव बनाएंगे, मान लो अपन यहां पर, अच्छा यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आपने कहा था फिर इसको ऐसे करोगे आप, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया. तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव लिखूंगा तो मुझे नेगेटिव लिखना होगा क्योंकि एक वेव अपने लिए ऐसे ही तो होगा, ये एक वेव है ना अपने लिए, तो इधर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या लिखोगे आप, नेगेटिव लिखोगे. और ये वाला पार्ट तो अपन को पता है, ये तो डैश वाला पार्ट, तो एक तरफ पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ आपको नेगेटिव लिखना ही पड़ेगा वेव के लिए, दैट इज पी ऑर्बिट. समझ में आया, ठीक है. तो अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज द पी ऑर्बिटल व्हाट वी हैव. तो विल से दैट कि भाई ये तो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल से है, वो दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो होंगे दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन अस द वेव फंक्शंस. वेव फंक्शन मतलब पॉजिटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव वेव फंक्शन, पॉजिटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव वेव फंक्शन. और वेव जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता है ये जो पॉइंट होता है ये क्रेस्ट ये ट्रॉफ, ये जो पॉइंट होता है ना जो एक्सिस पे लाई करता है, इसको अपन वेव्स में भी इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट इट्स नोड. नोड इज वेयर द प्रोबेबिलिटी इज जीरो. तो अपन क्या करेंगे, इधर लिखेंगे अपन दैट इज नोड द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन
as 0. Unko apan lobes kahenge. Then what is lobes? Or antinodes. Or antinodes. So apan kahenge bhai, where the probability of finding the electron is maximum. The reason where the probability of finding the electron is more than 95%. Finding the electron is more than 95%. अब मैं उसे 100 भी बोल सकता था लेकिन एग्जैक्ट पढ़ना ठीक नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन. तो हम वहां पर रीजन की बात कर रहे हैं कि जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा वो बताते हैं. तो वी आर एबल टू टेल कि भाई ये लोब्स क्या है. तो इट हैज टू लोब्स, मतलब एक इस बैलून पार्ट को हम एक लोब बोलेंगे. एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव साइन होगा बिकॉज दीज आर वेव फंक्शन. ये वेव मैकेनिकल मॉडल है. ऐसे ही बिल्कुल अपन किस पे बनाएंगे, वाई एक्सिस पे बनाएंगे. ऐसे ही हम जेड एक्सिस पे भी बनाएंगे. ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल. मतलब जैसे जैसे हम इसको वेव को, अब मैं वेव मैकेनिकल मॉडल को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. मान लो अपन ने ये बनाया वेव ऐसे, ठीक है ना, एक वेव बना लिया अपन ने. और थोड़ा आपको बताता हूं कि कैसे वेव मैकेनिकल मॉडल वो बोल रहे हैं, ठीक है. अब वो क्या बोलता है, मतलब श्रोडिंगर है. वेव मैकेनिकल मॉडल इज एक्सप्लेन बाय श्रोडिंगर. श्रोडिंगर क्या बोलता है कि भाई देखो, आप जैसे वेव में बोलते हो ना, ये नोड यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल, देखते हैं कैसे. वो कहता है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां होता है ना, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम होगा. तो आप ना इस रीजन को एक शेल मान लो. ये एक शेल है, फिर दूसरा शेल कहां होगा, यहां, क्योंकि यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. दो सेल के बीच में एक ऐसा रीजन आना चाहिए ना जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. दो सेल के बीच में एक ऐसा रीजन आना चाहिए ना जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. तो मैंने बताया दैट इज अ नोड. फिर नोड आना चाहिए, फिर दो सेल के बीच में एक ऐसा रीजन आना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा. फिर आगे, मतलब जैसे जैसे वेव मैक्सिमम, मतलब क्रेस्ट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन है, फिर नोड आ गया इसका मतलब दो शेल के बीच का पार्ट है, फिर ट्रॉ आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर दो शेल के बीच का पार्ट है, उसके बाद फिर क्रेस्ट आया, मतलब जहां भी क्रेस्ट ट्रॉ लाई करते हैं वहां पर शेल होंगे, और जहां क्रेस्ट लाई वो जहां पर ये एम्पलीट्यूड जहां पर जीरो हो जाए वहां पर बता देना कि वहां शेल नहीं होगा. दैट इज अ नोड पार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. इसलिए इसको अपन कहते हैं कि मॉडल ऑफ एटम विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेवलेंथ्स, द वेव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेव मैकेनिकल मॉडल. बट इतना ज्यादा डिटेल में अपन को नहीं पता, हमें सिर्फ एक, हमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो काफी हमसे थोड़ा सा अजम्पशन पूछेंगे, और जितना मैं आपको बताऊंगा बस उससे क्वेश्चन पूछेंगे, अपन को ज्यादा पढ़ना है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स तो आज भी हम डिस्कवर कर रहे हैं. जिस दिन हम क्वांटम मैकेनिक्स सारा कुछ देख लेंगे ना कि होता क्या है क्वांटम मैकेनिक्स, उस दिन हमारे लिए वो टाइम स्टोरी वाला जो है ना पार्ट, टाइम ट्रेवल करने वाला पार्ट, वो भी आ जाएगा. अपन तो बस थोड़ा सा जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना अपने सिलेबस में 11th क्लास के हिसाब से जितना होगा अपन बस उतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई पी ऑर्बिटल क्या होता है. अब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं अपन. पी के बाद हमने लिखा था डी ऑर्बिटल, तो अपन जितना लिखेंगे उससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा. ठीक है, तो ये तो था पी ऑर्बिटल. अब जैसे हमने पी के बारे में पढ़ा हुआ है वैसे डी के बारे में भी जितना एक्सप्लेनेशन पी के लिए दिखा उतना डी के लिए भी लिखेंगे. सो इट हैज फाइव ऑर्बिटल्स. अब इसके फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं. तो फाइव ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि डी की एनर्जी ज्यादा होती है. अपन को एक बात पता है, आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेल या सबशेल में बढ़ते जाएंगे। जैसे एस किसी भी शेल में, ऑल शेल आर डिवाइडेड इनटू सबशेल्स, एस पी डी और एफ। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनको अकोमोडेट करने के लिए रीजन भी बढ़ेंगे, तो हमें ज्यादा रीजन अज्यूम करने होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि भाई अभी अपन ने पी लिखा, तो पी में बने लिखा भाई नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ऐसे कुछ कर लिया अपन ने। लेकिन अगर रीजन और पोजीशंस बढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो इस टाइप से रीजन भी बढ़ेंगे क्योंकि हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऐसे फुटबॉल है तो फुटबॉल में क्या होगा, न्यूक्लियस अंदर है तो एक एक्सिस पे कुछ इलेक्ट्रॉन रख दो, कुछ वाई पे रख दो, कुछ जेड पे रख दो, तो अब कुछ जो और बचे हुए हैं उनको एक्स वाई के बीच में रख दो। मतलब उस टाइप से हमें रीजन अज्यूम करना होगा, जैसे मैंने आपसे कहा नॉर्थ ईस्ट ले लो, साउथ वेस्ट ले लो, इस टाइप से करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इट इज फाइव ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये वो पांच ऑर्बिटल होते हैं, पांच रीजन होंगे विच यू आर गोइंग टू टेक इन द एटम फॉर द डी इलेक्ट्रॉन। सो इट इज फाइव ऑर्बिटल्स एंड हैज डबल डंबल शेप। ठीक है ना, इट इज फाइव ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स एंड हैव डबल डंबल शेप। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये डबल डंबल शेप है। तो अब आप जैसे एक डंबल बनाया था ऐसे दो डंबल बना, एक डंबल आपने ऐसे बनाया था, अब दो बनाएंगे। एक डंबल में दो लोब्स होते हैं तो दो डंबल में चार लोब्स हो जाएंगे और बताएंगे। तो अपन क्या करेंगे, डी एक्स वाई को बनाते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे ना एक्स और वाई एक्सेस ये है, तो अपन थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको। अगर मेरे पास ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, तो डी एक्स वाई अगर बनाना है तो डी एक्स वाई विल बी लाइक दिस, द रीजन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सेस इज कॉल्ड डी एक्स वाई। The region between the x and y axis is called dxy. ये dxy. फिर अपन लिखेंगे तो dyz कैसे होगा, तो इसमें अब dyz ना z axis is like this. तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते, ये z axis है ये y axis है, मतलब इसी को अपने ऐसे देख लिया क्योंकि z axis अगर x ऐसे है y ऐसे है तो z ऐसे होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को ऐसे करके देख लें तो अपन जेड एक्सिस आ गया। तो अपन क्या करेंगे, द रीजन बिटवीन द, है ना, मतलब ये जरूरी नहीं कि एकदम बड़े बड़े बनाओ, कोई भी बना दो, बस इनके एक जैसे शेप और साइज होते हैं। द रीजन बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड डी वाई जेड। तो ठीक है भाई, फिर तो मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे आपने बताया मुझे कि अगर मान लो मुझे लिखना है ये वाई है और मतलब मुझे z और x लिखना है, तो z और x लिख लेता हूं ऐसे। सो द रीजन बिटवीन द z एंड x इज कॉल्ड z एक्सिस। तो ये आपका dy z है, ये एक्सिस से अपन लिख देते हैं और ये आपका हो गया डी जेड एक्स, ऐसे लिखूंगा। तो अब इसमें अपन को पता है कि हमने क्या किया है, अपन को पता था कि भाई डी एक्स वाई अगर ऐसे है तो आप इधर एक बैलून लगा रहे हो, इधर एक बैलून लगा रहे हो, इधर एक बैलून लगा रहे हो और इधर भी एक बैलून लगा रहे हो और सभी एक ही प्लेन में है बैलून, मतलब इन दोनों के बीच में एक बैलून है, इन दोनों के बीच में एक बैलून है, इन दोनों के बीच में इधर एक बैलून है और इन दोनों के बीच में एक बैलून है।
तो ये अगर y और x है तो मुझे पता चल गया व्हाट इज dx y. अब z के लिए क्या होगा, तो अपन कहेंगे चलो इसमें z एक्सिस भी अस्यूम कर लेते हैं. तो भाई ये तो ऊपर वाला आपने क्या लिखा था, ऊपर वाला जो पार्ट था ना ये वाला, तो ये तो y था, ठीक है, ये y था, ये x था, ये z है. तो y और z में बनाना है तो जैसे आपने x और y में बनाया था ना इस प्लेन में चारों नोड्स, तो वो इससे परपेंडिकुलर थे z से. तो अगर z और y में बनाना है तो इस प्लेन में बनाओ, मतलब एक इसके बीच में, एक इधर बीच में, एक इधर बीच में, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब x से परपेंडिकुलर. तो ये क्या होगा, x से परपेंडिकुलर, क्यों, ये y z में. ठीक है, कुछ कुछ पार्ट अपन ऐसे भी कर लेंगे ना कि कुछ कुछ पार्ट, ये पार्ट जो है ना, ये मतलब 3D structures इनके मैं आपको भेज दूंगा कि these are 3D structures, है ना, उनका 3D structure जो होगा वो अपन भेजूंगा, तो उसमें से आप देख लेना 3D structure में. लेकिन हमें ये पता है जो भी एक लोब आप लिख रहे हो उसको एक बैलून जैसे आपने कहा था ना, अब आप क्या कर रहे हो, एक ही प्लेन में चार बैलून ले रहे हैं, मतलब ऐसे दो बैलून ऐसे और दो बैलून ऐसे, चारों बैलून एक ही प्लेन में, तो दो ऐसे लिखे आपने और दो ऐसे लिखे आपने, ऐसे आपने y एक्सिस बताया, ऐसे आपने z एक्सिस बताया, ऐसे आपने ये ले रहे हैं तो x एक्सिस बता दीजिए, लेकिन चारों बलून एक ही प्लेन में, ठीक है. तो अगर ये डी एक्स वाई है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो अपन कहेंगे जो डी एक्स वाई है ना उसको 45 डिग्री रोटेट कर दो. इसका मतलब है कि अगर मैं इसको, जैसे ये मुझे गिवन है, अगर मैं इसको ये ऐसे गिवन है, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये तो x और y एक्सिस पे आ जाएंगे, हाँ, तो उसी को बोलते हैं dx को माइनस y स्क्वायर, दैट इज अ डिफरेंट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस अदर देन दिस, उसी को कहते हैं अपन क्या, दैट विल बी द राइट dx square minus y square. तो आप dxy को, मतलब the difference is कि जो dxy होता है that is between the axes, but dx square minus y square is on the axis. This is the difference. This is on the axis. Huh? That's the difference. ये x है वो y है, that is the difference. मतलब जो dxy होते हैं वो तो between the axis होता है, लेकिन x square minus y square जो होता है that is on the axis. So this is dx square minus y square. इसको अपन कहेंगे dx square minus y square. अब अपन क्या करेंगे, this is dx square minus y स्क्वायर. अब dz स्क्वायर क्या होता है भाई, सभी में आपने दो एक्सिस लिखे, ए दो, इसमें x और y है, इसमें y और z है, इसमें zx है, इसमें x और y है, लेकिन dz स्क्वायर में तो आपने एक ही एक्सिस लिखा ना, सिर्फ z और उसका ही स्क्वायर बना दिया बस. तो ये तो पक्का हो गया कि कुछ आप ऐसे बताने वाले हो इसमें कि जिसमें एक एक्सिस के अलोंग ज्यादा डोमिनेंस होगा, तो dz स्क्वायर जो होता है इट इज लाइक दिस, ये z एक्सिस के अलोंग एक लोब ऐसे होगा, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x, एंड द y वी नो दैट इट विल बी लाइक दिस. तो इसमें क्या होता है, इसका शेप बाकी से डिफरेंट होता है, बाकी सब में तो चार लोब से, बाकी सब में एक, इसमें ना देखोगे आप तो चार बैलून जैसे दिख रहे हैं, इसका शेप डिफरेंट होता है थोड़ा, वो कैसे, तो अपन कहेंगे इस केस में ना एक तो ऐसे लोब्स, दो लोब्स होते हैं और एक सर्कुलर ऐसे रिंग होता है विच इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दिस, इसमें एक सर्कुलर रिंग होगा विच इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दिस साइड, दैट विल बी अ सर्कुलर रीजन कंसीडर, यहां पर एक सर्कुलर रीजन है,
टिल सर्कुलर रीजन जिसमें अपन बताएंगे भाई ये आ गया आपके पास। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे सैटर्न प्लैनेट में होता है ना कि भाई ऐसे ब्रिंगे और उससे परपेंडिकुलर, मतलब इसमें क्या हुआ ये जेड एक्सिस है सपोज, तो अपन ने एक लो एक बैलून इधर अज्यूम किया, एक बैलून नीचे ऐसे ऊपर, और एक सर्कुलर पाथ ऐसे ना सर्कुलर रिंग अपन ने अज्यूम किया ऐसे, रिंग कहा मैंने रीजन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम व्हिच इज लाइंग इन द व्हिच इज लाइंग परपेंडिकुलर टू दिस ना, मतलब एक्स वाई प्लेन में, इस दैट इज कॉल्ड द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में देर इज अ सर्कुलर रिंग एज वेल एज ओनली टू लूप्स, मतलब मैं आपको इसको देख के अपन साफ साफ बता सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर का शेप डिफरेंट होता है बाकी डी ऑर्बिटल से। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव फोर लूप्स, ऑल द डी ऑर्बिटल हैज फोर लूप्स, ये चार ऑर्बिटल एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर उसमें अलग शेप है, एक सर्कुलर रिंग है विच इज प्रेजेंट इन द एक्स वाई प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। अब इसमें भी हमें वेव फंक्शन के साइन लिखने होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो कई बार हमसे यही पूछ लेते हैं विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइंस इन द डी ऑर्बिटल, तो फिर क्या करेंगे देखो भाई कैसे लिखना है, इसमें पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, रिमेंबर दैट अपन ने पी में क्या लिखा था ऐसे लिखा था। लेकिन इसमें क्या करना है हमें कि अगर इस लोब में पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा, दिस इज लाइक अ डी ऑर्बिटल ऐसे करना होगा। तो मैं अगर यहां पॉजिटिव लिखूंगा तो मैं कहूंगा यहां भी पॉजिटिव लिखो, और यहां नेगेटिव लिखोगे तो यहां भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, दोनों अपोजिट लोब में सेम साइन होना चाहिए, दोनों अपोजिट लोब में सेम साइन होना चाहिए, दैट इज डी ऑर्बिटल। और जेड में विल से दैट क्योंकि dz स्क्वायर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन होने की कहां होगी z एक्सिस पे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन द z एक्सिस, इट विल बी लाइक दिस। ये तो साइन की बात हुआ, फोर लोब्स वी नो दैट, ये जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नोड्स, दीज आर कॉल्ड एज लोब्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम मोर देन 95%, उसको अपन लोब्स रीजन बोलते हैं, एंड दीज आर द डी ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट विल हैपन भाई, या तो इन दोनों में पॉजिटिव लिखूंगा या फिर इन दोनों में पॉजिटिव लिखूंगा। अभी मुझे इलेक्ट्रॉन इन लोब्स में भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे इन लोब्स में भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे एक एंगल यहां पर भी लेना पड़ेगा, वहां पर जो थीटा है जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना होगा, और या फिर मुझे अगर इन दोनों में पॉजिटिव है तो इस पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब एक बार में दो एक्सिस। तो मेरे पास एंगल के कितने वैल्यूज आएंगे, दो आएंगे, एक बार आएगा क्या वाई और जेड एक्सिस के बीच वाला एंगल कैलकुलेट करूंगा, और एक बार मैं कैलकुलेट करूंगा इस तरफ दैट विल बी वाई और जेड एक्सिस, मतलब एक बार इन दोनों लोब्स में एक बार इन दोनों लोब्स में, तो अलोंग टू डायरेक्शंस। In this case, we have to consider the probability of finding the electron of finding the electron finding the electron right, consider the probability of finding the electron along two directions. Thus, the value of angular quantum number that depends on the direction, huh? So obviously, we have to say 2. Then its value will be equal to 2. Okay. Similarly, we can write that. इसमें हमसे जो भी मैंने आपको बताया क्वेश्चंस वही पूछेंगे अपन से,
आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लगाने हैं, इवन अपन से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये चार ऑप्शन में एबीसीडी गिवन है और पूछेंगे बताओ कौन सा करेक्ट है रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वेव साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे जो भी मैंने आपको बताया। डी इज एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इसके ऑर्बिटल शेप, 7 उसके ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे इसके 5 थे वैसे एफ में 7 होंगे, बट एफ का ना तो शेप अपने सिलेबस में है और ना ही अपने सिलेबस में उसका डिस्कशन है, सो अपन ज्यादा इसमें कुछ पढ़ेंगे नहीं। इट हैज 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है, सो 7 ऑर्बिटल वी कैन राइट देन एफ एक्स स्क्वायर y माइनस z, एफ y स्क्वायर z माइनस x, एफ z स्क्वायर राइट x माइनस y, एफ x स्क्वायर y, एफ y स्क्वायर z, एफ z स्क्वायर x एंड एफ z क्यूब, like that we have the different z orbitals, तो ये f orbitals, तो ये f orbital है, इसकी हमें जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, f हमारे सिलेबस में नहीं है, it has 7 orbitals, we have written that, and has triple dumbbell shape or right na, it has triple dumbbell shape मतलब तीन बनाने वाले हो आप, और ट्रिपल डंबल शेप और अपन इसको फ्लावर शेप भी बोलते हैं, क्योंकि अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो फ्लावर जैसे ही दिखेगा अपन को, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो फ्लावर जैसे होता है उस टाइप से दिखेगा, दैट्स व्हाई वी से दैट उसका फ्लावर शेप ही बोलते हैं, दैट इज अ फॉर्मेट। अभी जो ऑर्बिटल्स अपन ने लिखे हुए ना, इन ऑर्बिटल्स में हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज नोड्स, तो हम क्या करेंगे इसमें एक और नया वर्ड इंक्लूड कर लेते हैं, नोडल प्लेन। नोड्स तो एक रीजन होगा पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, नोडल प्लेन मतलब अ प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, तो अपन एक नोडल प्लेन जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं, तो मैं इसको हटाऊंगा और नोडल प्लेन को लिखूंगा, तो विल राइट दैट व्हाट इज नोडल प्लेन, वो देखते हैं अपन। तो अगर मैं नोडल प्लेन लिखूंगा, नोडल प्लेन, सो द प्लेन द वी आर गोइंग टू राइट दैट टू डायमेंशनल प्लेन है, विल राइट दैट द टू डायमेंशनल प्लेन, where the probability of finding the electron is zero, where the probability of finding the electron is zero, probability of presence of electron is zero, okay, presence of electron is zero, वैसे तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि भाई ये कितना होता है, F orbital में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आप याद रखो ये शेप F वगैरह, कुछ नहीं पूछने वाले अपन से। नोडल प्लेन किसी भी सबशेल में ना, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन होता है, दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ L, नंबर ऑफ नोडल प्लेन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ L, नंबर ऑफ नोडल प्लेन in a subshell, in a orbital, we can say, will be equal to value of L. आप L के value के बराबर बोल सकते हैं। अपन कहेंगे अच्छा वो कैसे? तो अपन कहेंगे S orbital को बना लो आप। ये क्या था? Spherical. इसमें तो कोई plane ही नहीं है।
ये तो स्फेरिकल है, इसमें तो कोई प्लेन ही नहीं बनता भाई। फुटबॉल में नोडल प्लेन कैसे बना, टू डायमेंशनल प्लेन बन ही नहीं सकता फुटबॉल में। इसका मतलब एस में नोडल प्लेन का वैल्यू जीरो आ जाता है, तो एस के लिए नोडल प्लेन जीरो। तो पी के लिए तो बन जाएंगे भाई, आप बता दो कौन सा पूछ रहे हो, पी एक्स है तो बन जाएंगे। अगर ये पी वाई है तो इसका नोडल प्लेन जो इसमें परपेंडिकुलर होगा ना एक्स वाई प्लेन, मतलब अगर ये पी वाई है ऐसे, तो ये वाला वो प्लेन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक बैलून इधर बनाया, एक बैलून उधर बनाया, तो फिर इधर वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता ना। तो अगर ये वाई एक्सिस है तो ये जो एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा ना इसमें ऐसे, ये जो एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा ना इसमें, इस प्लेन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। तो फॉर पी वाई द एक्स जेड प्लेन इज नोडल प्लेन, जो एक्स जेड प्लेन होगा ना अपने लिए दैट इज अ नोडल प्लेन, प्लेन इज नोडल प्लेन। देन फॉर पी वाई पी एक्स, जैसे अपने ये पी वाई लिखा ना, फॉर पी एक्स द वाई जेड प्लेन इज नोडल प्लेन, फॉर pz the xy plane is the nodal plane. We are able to write that what is a nodal plane. Nodal plane matlab us plane mein jahan electron nahi ho sakta us orbital, that is called a nodal plane. Kisi ko doubt? To theek hai, fir baat karte hain, par isme batao nodal plane kaun sa hoga, इसका नोडल प्लेन ये तो पक्का पता है अपन को। अच्छा किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, एस नोडल प्लेन इज जीरो, आपने लिखा नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू जीरो। पी एल का वैल्यू वन होता है, मतलब सब में एक नोडल प्लेन होना चाहिए, पी एक्स पी वाई पी जेड, आपने कहा ना ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन द ऑर्बिटल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एस। डी एल का वैल्यू टू होता है, तो दो होने चाहिए भाई इसमें नोडल प्लेन। आप जो मर्जी कहो, आप मुझे दो नोडल प्लेन बताओगे, तो चलो देखते हैं नोडल प्लेन कैसे अपन बताएंगे उसमें। तो मैं नोडल प्लेन के डेफिनेशन बताता हूं, क्योंकि या फिर इधर लिख लेते हैं अपन, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, इधर पे डेफिनेशंस पता है, व्हाट इज नोड व्हाट इज राइट ना, ऐसे बोलते हैं। अब देख इसमें ना, इसमें अपने पास ऐसे निकल, जैसे अपन मान लेते हैं ये अपन को एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, है? तो जैसे मान लेते हैं ये वाई एक्सिस बनाया अपने, ये जेड एक्सिस बनाया अपने, ये जेड एक्सिस है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, एक मिनट रुकना, एक ही प्लेन में अजीम कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे बनाते हैं। ये अपना क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब अपन कहेंगे एक बैलून इधर है, एक बैलून इधर है, ये बैलून इधर है, एक बैलून इधर है इस, तो अपन कहेंगे भाई बैलून तो इधर 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 और इधर बना रखे, तो फिर इस प्लेन में तो कुछ होगा ही नहीं ना भाई। इधर ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस ऐसे होगा, z एक्सिस विल बी टुवर्ड्स यू, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई अगर बैलून इधर है, इधर है, इधर है और इधर है, तो इस प्लेन में तो कुछ होगा ही नहीं, दिस विल बी द y एंड x एक्सिस। तो इसका ना y और z जो होगा ना ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे बैलून तो इधर थे, तो अपन कहेंगे y और z विल बी द नोडल प्लेन,
अगर एक नोडल प्लेन ये है तो दिस इज ऑल्सो नोडल प्लेन, एक्स एंड जेड इज ऑल्सो नोडल प्लेन, ये जेड हो जाएगा क्योंकि बैलून तो इधर होंगे, तो इधर वाला भी एक नोडल प्लेन होगा क्योंकि इस प्लेन में बैलून है ही नहीं, बैलून तो ऊपर, दो ऊपर हो गए दो नीचे हो गए, तो इस प्लेन में नोडल ये जेड और एक्स हो जाएगा। और इधर कहूंगा वाई और जेड में, तो अपन कहेंगे इस प्लेन में भी दो बैलून इस तरफ हो गए, दो बैलून इस तरफ हो गए, लेकिन इस प्लेन में कोई बैलून नहीं आएगा, तो दैट विल बी ऑल्सो नोडल प्लेन। तो अपन ने क्या बताया, अगर ये डी वाई जी जेड एक्स एक्स वाई है तो अपन कहेंगे इन दिस केस इधर ना, अपन कहेंगे नोडल प्लेन सा प्लेन कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, दैट विल बी एक्स जेड एंड वाई जेड, ये तो बड़ा अच्छा हो गया ना, बड़ा अच्छा। वो कैसे भाई, बड़ा अच्छा क्यों हो गया इसमें, अपन कहेंगे देखो भाई आपने कहा मेरे पास डी एक्स वाई था, तो एक्स जेड एंड वाई जेड विल बी द नोडल प्लेन, आपने कहा ये मेरे लिए क्या है डी वाई जेड, तो मैं कहूंगा नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, इसमें क्या नहीं है एक्स नहीं है, तो एक्स वाई एंड एक्स जेड दैट इज अ नोडल प्लेन, इसमें क्या नहीं था जेड नहीं था, तो एक्स जेड एंड वाई जेड विल बी द नोडल, तो ये क्या है डी, ये वाला डी एक्स जेड है, देन नोडल प्लेन, इसके नोडल प्लेन क्या हो जाएंगे, तो अपन कहेंगे इसमें क्या वाई नहीं है, तो एक्स वाई एंड दैट इज जेड वाई दे आर नोडल प्लेन, ये लो भाई नोडल प्लेन हो गया। तो इसमें नोडल प्लेन क्या लिखूं मैं फिर, तो इसमें नोडल प्लेन इसमें भी तो बताना पड़ेगा मुझे, तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें भी नोडल प्लेन हो जाएंगे, एक प्लेन ये हो जाए और एक प्लेन ये हो जाएगा, दीज आर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, बट ये अलॉन्ग किसी एक्सिस के नहीं होगा क्योंकि एक्सिस पे तो, एक्सिस पे तो लोब्स खुद लाई करते हैं, देन हाउ कैन दे विल बी इन द नोडल प्लेन ऑन द एक्सिस, इधर एक्सिस पे लाई नहीं करते थे ना, अच्छा अपने एक्सिस को क्या बताया नोडल प्लेन बताया, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे फिर, तो अपन कहेंगे एक नोडल प्लेन होगा बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, यहां पर अपन ऐसे बता देंगे भाई ये नोडल प्लेन हो गए इसमें, तो इसमें अपन कहेंगे नोडल प्लेन इज बिटवीन वाई एक्स ऑन वन साइड एंड बिटवीन वाई एक्स ऑन द अदर साइड परपेंडिकुलर, क्योंकि जेड एक्सिस तो ऐसे होगा इसमें, ये जेड एक्सिस, सो दीज आर द टू नोडल प्लेन्स वी आर हैविंग इन दिस, सो नोडल प्लेन two nodal planes between x and y axis, ये हो गया अपने पास। तो अपन क्या करेंगे d के लिए we are able to directly write that value of l 2 होता है तो दो नोडल प्लेन होते हैं, अब अपन कहेंगे इसमें बताओ नोडल प्लेन कहां, तो z axis में what will say that इसमें नोडल प्लेन ना, इसमें नोडल प्लेन्स नहीं होंगे, इसमें दो नोडल कोन्स होंगे, रीजन स्क्वायर इट हैज टू नोडल कोन नॉट द प्लेन, इसमें प्लेन नहीं होगा इसमें नोडल कोन होगा, तो भाई नोडल कोन बना के दिखा दो, तो नोडल कोन जो होता है ना वो अपन इसको बना के दिखाते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा ना बना के, तभी अपन उसको बता पाएंगे ना कि नोडल प्लेन और नोडल कोन कैसे दिखा रहे। अच्छा देख Z का शेप अपन को ऐसे दिखा ना, ये Z का शेप है, थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि अपन को दिखे अच्छे से, ये Z एक्सिस है, इसको अपन ने X एक्सिस मान लिया, तो अपने कहा भाई देखो यहां पर ना एक सर्कुलर रिंग होता है एक सर्कुलर प्लेन में, यही तो कहा ठीक है, ये रिंग था एक विच इज परपेंडिकुलर है, वो ये उसको बेबी सूटर टाइप भी बोल सकते हैं, है ना, कभी कभी वो मतलब जैसे अपन ने फ्लावर शेप बोला था ना,
ऐसे बेबी शूटर भी बोल सकते हैं। बेबी शूटर मतलब जो ऐसे बॉटल में दूध पिलाते ना बेबी को, मिल्क का बॉटल होता है, तो ऊपर वो उसका निपल जो होता है वो ऐसे ही तो होता है। निपल का शेप क्या होता है, ये उसका बेस हो गया और ऊपर एक निपल हो गया। तो दो निपल को आप ऐसे लगा दो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो वो जो बीच में एक रिंग टाइप का बन जाएगा ना, दैट इज लेंथ। तो इसलिए उसे बेबी शूटर टाइप बोलते हैं। मतलब ऐसा ना, ये वर्ड लिखा हुआ है सब ने तो मैं कभी बताया नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जबकि कुछ बुक्स में ये वर्ड लिखा हुआ है तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने वो फ्लावर बोला था एफ के लिए। कभी कभी कोई कोई फ्लावर बोल देते, बताओ फ्लावर शेप किसका होगा, अब मैं क्या करूँ। तो फ्लावर तो सर ने कभी कहा ही नहीं कि फ्लावर भी होता है ना, तो ऐसे भी हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे ना, देखो आपने कहा मेरे पास जेड एक्सेस ऐसे, ठीक है भाई, मान लिया ऐसे जेड एक्सेस, इधर एक सर्कुलर रिंग है, ऐसे सर्कुलर रिंग है परपेंडिकुलर, ऐसे इससे परपेंडिकुलर। तो अपन कहेंगे ये रीजन तो पूरा खाली पड़ा हुआ है ना रिंग के बीच में, इधर जेड एक्सेस तक, तो ये वाला पूरा पार्ट तो खाली पड़ा हुआ ना, ये वाला पार्ट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये वाला पार्ट पूरा खाली पड़ा हुआ, इधर भी पड़ा होगा, इधर भी पड़ा होगा, इधर भी पूरा पार्ट खाली पड़ा होगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि भाई अच्छा ये वाला पार्ट तो पूरा खाली पड़ा हुआ ना, यहां से लेके यहां ये पूरा पार्ट खाली पड़ा होगा, क्योंकि ये वाला रिंग तो परपेंडिकुलर है ना इससे, और बिल्कुल वैसे ही ये वाला पार्ट भी खाली पड़ा होगा। पड़ा होगा ना खाली, मतलब आप ये बोल रहे हो उससे कि भाई जैसे जेड एक्सिस था ऐसे, आपने कहा कि ऐसे जेड एक्सिस है, इधर रिंग है, तो एक तो ये वाला पार्ट पूरा खाली पड़ा होगा, दूसरा ये वाला पार्ट पूरा खाली पड़ा होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, इसी को कोन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कोन बना देते हैं। तो वो क्या बोल रहा है अपन से, भाई ठीक है ये जेड एक्सिस है, आधा कोण आपको इधर दिख रहा है, आधा कोण इधर दिख रहा है, तो एक पूरा कोण हो गया, उसको एक पूरा कोण अज्यूम कर लो आप। जैसे मैंने कोण बना दिया इधर को, इधर को, और उसका फेस ऐसे बना दिया, देयर इज अ नॉर्मल कोण, एक इस तरफ बनेगा तो दूसरा इस तरफ भी बनेगा, देयर इज अ नॉर्मल कोण, टू नॉर्मल कोण आर देयर। तो अपन कहेंगे ये वाला पार्ट भी खाली पड़ा हुआ, ये वाला पार्ट भी खाली है, आधा कोण इधर बन जाएगा, आधा कोण इधर बन जाएगा, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा अपने लिए, कोण बन गया। तो ऐसे नोडल कोण होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, दैट इज अ नोडल। और इधर जो होगा ये रीजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव, और अपन कहेंगे इधर और इधर दे होंगे द नोडल कोण्स, ये नोडल कोण। तो ये जेड एक्सिस था ऐसे, और जेड एक्सिस में वो रिंग था, तो अपन ने क्या किया, एक इधर ऐसे पूरा, एक इधर ये रीजन जो है इधर वाला रीजन और इधर वाला पूरा रीजन, हमने कहा एक कोण इधर बना देते हैं, एक कोण इधर बना देते हैं, सो वी से दैट कि इसमें नोडल कोण होते हैं, नॉट द नोडल प्लेन्स। तो प्लेन उसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसमें कंसिडर करेंगे। दैट्स व्हाई वी से दैट हमसे काफी सारे क्वेश्चन अगर पूछेंगे ऑर्बिटल से रिलेटेड, तो वो डी से पूछेंगे, बताओ किस ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल के शेप सेम नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल, डी के किस ऑर्बिटल में फोर लोब्स नहीं होते, डी दैट्स व्हाई, डी के किस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता है, डी दैट्स व्हाई। Like that questions will be there for us. अब जैसे अपन ने इसमें लिखा ना, अपन को पता चल गया, अपन तो वैसे ही बता देंगे, इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, इसमें कितने नोडल प्लेन है, वी आर एबल टू गेट नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम, ये नोड्स के बारे में थोड़ा सा अपन ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम कैसे बताएंगे वो देखते हैं। मैंने नोड्स के लिए लिखा, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं वापस लिख रहा हूं ऐसे, यही पार्ट लिख रहा हूं, तो यहां लिखा एक पॉइंट मैंने लिखा नंबर ऑफ नोडल प्लेन प्लेन इन द ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल,
वो तो आपने लिखा है इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल, जो भी एल का वैल्यू होगा उसके बराबर बता दे। फिर मैं लिखूंगा भाई नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम, नंबर ऑफ नोड्स इन एन एटम, तो अपन कहेंगे भाई जितने शेल हैं उसका माइनस वन कर लो। कैसे? बनने का ऐसे ना, एक पॉजिटिव ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये शेल वन शेल हो गया, ये टू शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, मान लो थ्री शेल्स है तो थ्री माइनस वन मतलब टू हो गया। हाँ बिल्कुल, वर्टेस हो, क्योंकि एक ये वाला रीजन हो जाएगा नोड्स के लिए और एक ये वाला रीजन होगा नोड्स के लिए। भाई वन और टू के बीच में एक ऐसा रीजन होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, टू और थ्री के बीच में ऐसा रीजन होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब अपन ये थोड़ी कह सकते हैं न्यूक्लियस और वन के बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पहले डिसाइड तो करो कि न्यूक्लियस का बाउंड्री क्या है। तो अपन कहते हैं जितने शेल्स होंगे, जो शेल के बीच का रीजन होता है ना उसको अपन कहते हैं द नंबर ऑफ नोड्स इन एन एटम। किसी भी एटम में कितने नोड्स होंगे तो अपन कहेंगे जितने शेल हैं उसको माइनस वन कर देते हैं, क्योंकि जैसे वन और टू हो गया तो उनके बीच में स्पेस होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, टू और थ्री के बीच में एक स्पेस होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब यहां पर तीन शेल है दो नोड्स आ गए। वेर इधर अपन को पता है वेर एल इज एंगुलर क्वांटम नंबर, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स, और स्फेरिकल नोड्स नोड्स इन अ सबशेल, ये सबशेल के लिए एन माइनस एल माइनस वन होता है। कितने स्फेरिकल नोड्स होंगे या रेडियल नोड्स होंगे इन अ सबशेल, वो ये होता है एन माइनस एल माइनस वन। एन भी आपको पता है, एल भी आपको पता है, और ये होता क्या है उसके लिए थोड़ा वेट करता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। बट नोड्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना होता है, इसलिए मैंने वो थर्ड पॉइंट भी उसके साथ लिया कि भाई आपको नोड्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। ये तीन पॉइंट, और तीनों में डिफरेंस है ऑर्बिटल में, एटम में और सबशेल, ये अपन को क्वेश्चन में कह रहा। मैंने तीनों आपसे अलग अलग पूछे और इनको बताऊंगा मैं क्या होता है। अब अपन लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था ना ऑर्बिटल्स के लिए, अब ऑर्बिटल मतलब वो रीजन हो गया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन momentum of electron in a shell, ये आप orbit भी लिख सकते हैं, angular momentum of orbit भी बोल सकते हैं, पर directly फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं that will be equal to angular momentum, तो अपन को पता है orbital या orbital नहीं orbit कहा था मैंने, orbit या shell is अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये तो पहले से पता है मुझे किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम कैसे बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकता हूं, ऑर्बिट भी बोल सकता हूं, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट भी बोल सकता हूं। भाई जो उस ऑर्बिट का पाथ होगा वही इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, राइट? And the angular momentum of electron in an orbital. अगर मुझे ऑर्बिट में कैलकुलेट करना है तो मैं बोर फॉर्मूला लगा लूंगा, लेकिन अगर मुझे ऑर्बिटल में फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ना एम वी आर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इन टू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई। तो एंग
एंगुलर मोमेंटम इन द एस ऑर्बिटल के लिए तो एल का वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो वी आर एबल टू राइट दैट अंडर रूट ऑफ टू इंटू एच बाई टू पाई। डी के लिए एल का वैल्यू टू होता है, अंडर रूट ऑफ सिक्स इंटू एच बाई टू पाई। एंड एच बाई टू पाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेयर एच बाई टू पाई कैन बी रिटन एज, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एच बाई टू पाई, ये एच बाई टू पाई के बराबर लिख सकते हैं। उसका इसको अपन प्रोनाउंस करते हैं डायरेक्ट एच, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करेंगे डायरेक्ट एच जैसे प्रोनाउंस करते। सो वी आर एबल टू टेल कि अगर मुझसे ऑर्बिट के बारे में एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो बोर थ्योरी से बताऊंगा, अगर मुझे ऑर्बिटल के बारे में एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो ऐसे बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को दिया, एक एग्जांपल लिया अपन ने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। Of इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई डी ऑर्बिटल में चाहिए, तो अपन ने ऑप्शन टिक कर दिया, ऑप्शन बनाया अपन ने, दैट इज अंडर रूट ऑफ सिक्स इंटू एच बाई टू पर जीरो लिखो, देन आई कैन राइट दैट इट इज अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू दैट इज एच बाय टू पे, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी दैट इज अंडर रूट ऑफ सिक्स इंटू डेल्टा एच। तो अपन कहेंगे भाई आंसर में तो अपन को पता था, आंसर के लिए अपन को पता था वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टू फॉर डी ऑर्बिटल, तब तो अपन लिखेंगे देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम MVR ना, उसको कैपिटल L से भी डिनोट कर सकते हैं पर, सो MVR will be equal to what? That is under root of L into L plus 1 H by 2 पर, so under root of 2 into 2 plus 1 H by 2 पर, so I can write that 3 to under root of 6 H by 2 पर या फिर under root of 6 direct H। ये भी करेक्ट हो गया हमारे लिए और ये भी करेक्ट हो गया, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछेंगे, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू बिल्कुल डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको बता रहा हूं क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे आएगा, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला है। तो दैट इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय right that is their shape of orbitals, usse pe bata sakte hain। to ye to tha aapka shape and of orbitals and the nodes, the antinode matlab the probability, the lobes are called antinodes but the probability of finding the electron is maximum, wo sara part mein chal gaya, that can be explained on the basis of value of it। ab apan third quantum number ki taraf chalte hain, थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू इसको अपन एम से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू सिग्निफाइज द इलेक्ट्रॉन, द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, in which electron is present। देखो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वी गॉट द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वैल्यू ऑफ एल से वी आर एबल टू टेल की द सब शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, बिकॉज एल का वैल्यू अगर मुझे गिवन है तो आई एम एबल टू टेल
जीरो है तो एस ऑर्बिटल में है, वन है तो पी ऑर्बिटल में है, लाइक दैट वी आर एबल टू टेल. सो अगर मुझे वैल्यू ऑफ एम गिवन है तो वी आर एबल टू टेल कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो विल से दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, each value of l, m will be equal to plus minus l including 0. मतलब अगर मुझे value of l पता है तो मैं value of m बता सकता हूं. अच्छा तो अपन लिख लेते हैं भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर तो बड़ा इजी है. इसका मतलब अगर मुझे वैल्यू ऑफ एल पता होगा तो एम मैं अपने आप बता दूंगा क्या होना चाहिए. तो व्हाट विल से, फिर वैल्यू ऑफ एल तो हमें पता होता है कैसे, फॉर एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू होता है ना, फॉर एस ऑर्बिटल एल इक्वल टू होता है जीरो, तो एम का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए. फॉर पी ऑर्बिटल, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एल का वैल्यू तो वन होता है, तो एम का वैल्यू फिर माइनस वन भी होना चाहिए, प्लस वन भी होना चाहिए और जीरो भी होना चाहिए. फॉर डी ऑर्बिटल, टॉलरेट दैट, फॉर डी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टू, तो फिर m का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन जीरो, प्लस वन प्लस टू. तो प्लस माइनस l भी लिखा मैंने और वो भी लिखा मैंने. तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई, इसका एक ही ऑर्बिटल होता है और उसके लिए m का वैल्यू जीरो है. Has only one orbital. इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके लिए तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz. किसके कौन सा वैल्यू होगा, बिकॉज m का वैल्यू मुझे ऑर्बिटल्स बताएगा किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू कि माइनस वन जीरो या प्लस वन किसके लिए होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं बता सकते. तो d के लिए फाइव वैल्यूज आ रहा है, इसका मतलब है एक होगा dxy, एक होगा dyz, एक होगा dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक होगा dz स्क्वायर. ये फाइव वैल्यूज है, द फाइव वैल्यूज ऑफ, मतलब जितने ऑर्बिटल्स बनेंगे उतने ही वैल्यूज बनाएंगे. वैसे ऑर्बिटल्स को ना जब अपन लिखते हैं ना क्वेश्चन में, जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्बिटल्स को ना अपन क्या करते हैं, ऐसे इधर ऐसे लिखते हैं कि p के तीन ऑर्बिटल्स होंगे, एक को px बोल देते हैं, एक को py, एक को pz. वो इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए अपन ऐसे ऑर्बिटल लिख लेते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये px है, ये py है, ये pz है, और हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो p के टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैं ये वैल्यूज, तीन वैल्यूज किसी को भी कुछ भी दे सकता हूं मेरी मर्जी. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. वो फिक्स नहीं होता है. तो फिर हमें पता कैसे चला कि मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा वैल्यू किसके लिए होगा. हम इजीली क्या कर सकते हैं, फिक्स वैल्यू बता सकते हैं फॉर n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर वैल्यू ऑफ l बिकॉज वो सबशेल होगा, लेकिन मैं m का वैल्यू फिक्स नहीं बता सकता कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा. व्हाट इज सो, बिकॉज ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी. व्हाट इज सो, बिकॉज जब आपने px py लिखा था ना, तो ये py हो गया, ये px हो गया,
ये pz हो गया एक ही एटम में, ये pxy हो गया, ये px हो गया, ये pz हो गया, इन सभी का डिस्टेंस चाहे आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो इलेक्ट्रॉन को, इन सभी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से एक जैसा होगा। और अगर इनका न्यूक्लियस से एक जैसा डिस्टेंस होगा तो उनका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस भी एक जैसा होगा, और अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस एक जैसा होगा तो तीनों का एनर्जी भी एक जैसा होगा। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको अपन कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, सो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सो दीज आर ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, विद सेम एनर्जी। अगर इनकी एनर्जी सेम है तो मैं ये नहीं बोल सकता ना भाई सबकी एनर्जी सेम है, अगर एनर्जी जिसकी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले अपन उसमें फिल करते हैं, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर और ज्यादा एनर्जी वाले में, इधर तो सभी का एनर्जी एक जैसा है तो मैं किसी में भी इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर सकता हूं बिकॉज दे आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो फिर इनका वैल्यू आया कैसे, माइनस वन प्लस वन जीरो, भाई अगर सभी का एनर्जी एक जैसा है तो एक ही वैल्यू लिखो, अलग अलग क्यों लिख रहे हैं वैल्यू? तो इनका जो फिक्स वैल्यू है ना, ये वैल्यूज कैसे आते हैं वो हमारे सिलेबस से बाहर है, बट आपको याद होगा मैंने आपको जब ड्रॉबैक्स लिखे थे ना अपने ऑफ बोर थ्योरी, ड्रॉबैक्स लिखे थे ना बोर थ्योरी के, उसमें आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें अपन ने उसको ज़ीमन इफेक्ट बोला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपन ने स्टार्क इफेक्ट बोला था, then the lines in series Balmer series, then the lines are further splitted into different lines, matlab jo line apun ko aise mil rahe the ye Lyman line tha, matlab ye Lyman lines hai, matlab agar main is atom ko magnetic field mein rakhu to ye jo line tha na jo 4 se 1 pe aa raha tha ye aur split ho gaya different lines, मतलब इसका भी स्प्लिट है, स्प्लिटिंग ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं भाई, 4 से 1 में आता है एक वेवलेंथ पढ़ते हैं अपन, अब आप उससे कह रहे हो कि अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो भी स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज ज़ीमन इफेक्ट। तो अपन एक आइडिया लेते हैं राइट ना, ज़ीमन इफेक्ट का आइडिया देते हैं, एक छोटा सा आइडिया लेंगे, अगर जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे, अपने सिलेबस में नहीं, और मैं बहुत ज्यादा उस बाहर नहीं जाना चाहता सिलेबस से, अपन अगर बहुत ज्यादा सिलेबस से बाहर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक तो टाइम भी अपने पास थोड़ा सा कम है, और अपन ज्यादा सिलेबस से बाहर जाएंगे तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि ठीक है इन्फॉर्मेशन इज ओके, मैं आपको बताऊंगा आपको लगेगा वाह वाह हमको तो बहुत अच्छा पता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, जब क्वेश्चन नहीं आना तो क्यों बता रहे। मैं ज़ीमन इफेक्ट बात करता है, ज़ीमन इफेक्ट है ठीक है, सो द बिहेवियर ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया इस एटम को, ये वैल्यू तो अपन को पता है, एल का वैल्यू क्या होता है पता चल गया अपन को, आप शेल बताओ आपका होगा फोर्थ शेल है, हाँ ठीक है उसमें सब होते हैं, लेकिन अगर सेकंड शेल है तो अपन कहेंगे इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, सेकंड शेल में तो ये होते ही नहीं, सबको पता है सेकंड शेल में तो एस और पी होते हैं, अगर फर्स्ट शेल है ये दोनों नहीं होंगे उसमें सिर्फ एस होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दिया हुआ। ज़ीमन इफेक्ट होता है जब ये, वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल फॉर पी ऑर्बिटल्स, सपोज फॉर पी ऑर्बिटल
करना, एग्जांपल पी ऑर्बिटल से ले रहे हैं, सारे कंसेप्ट अपन वही यूज कर लेंगे, जो भी आप पी ऑर्बिटल से एग्जांपल ले रहे हो कंसेप्ट मैं सभी के लिए वही यूज करूंगा जो आप मुझे किसी एक ऑर्बिटल के लिए बताओगे। तो पी ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं तीन ऑर्बिटल, वो मैं बॉक्स से बना लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपन ये बॉक्स से तीन ऑर्बिटल बना लेते हैं। इनमें से एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जेड है, मुझे नहीं पता कौन सा क्या है, मैं किसी को भी कुछ भी दे सकता हूं। These are degenerated orbitals. Degenerated orbitals मतलब इन सब की एनर्जी सेम है। तो P में वो जो 6 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने हैं उनमें कहीं से भी फिल करना शुरू कर सकता हूं, क्योंकि सभी का एनर्जी न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम होने की वजह से देर एनर्जी सेम इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पर इसको कहां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो पी ऑर्बिटल है जो मतलब तीन ऑर्बिटल हैं अपने पास, मतलब आप मुझे ऐसे बता रहे हो ये तीन ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। कोई भी कहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अब अपन क्या करेंगे, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो इनका डीजेनरेसी ब्रेक हो जाता है, मतलब ये ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड ना, ये ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा, एक बढ़ गया एक छोटा और एक जितना था उतना ही रहा, एक जितना था उतना ही रहा, ये बढ़ गया ये छोटा हो गया और ये जितना था उतना ही रहा, मतलब देयर डिजेनरेसी इज ब्रेक। अब वो सभी ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, उनका डिजेनरेसी ब्रेक हो जाएगा। वो डिजेनरेसी कैसे ब्रेक होगा, तो अपन कहेंगे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में लिखेंगे ना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इन तीनों एक्सिस का इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में होगा किसी में, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा लाइक दिस, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका डायरेक्शन है साउथ एंड नॉर्थ पोल, तो कोई एक एक्सिस जो इससे पैरेलल होगा वो रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ स्मॉल मैग्नेट, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो भी छोटा मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, तो अगर मैं छोटे मैग्नेट को जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है अगर इन दोनों को पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों, वो पैरेलल स्पिन है ना इसलिए रिपल्शन होगा, पैरेलल स्पिन होने की वजह से रिपल्शन होगा। और जिसका एंटी पैरेलल स्पिन होगा तो अपन कहेंगे अच्छा एंटी पैरेलल स्पिन, फिर तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कम होती है सिस्टम, तो अगर अपन कहेंगे कि भाई किसी का एक्सिस मान लो ये पी एक्स है तो ये पी वाई हो जाएगा, तो पी जेड कहां है, पी जेड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो अगर पी जेड इससे परपेंडिकुलर होगा पी जेड तो अपन कहेंगे पी जेड का ना तो इससे पैरेलल होगा और ना ही इससे अपोजिट होगा, तो ना ही पी जेड का अट्रैक्शन होगा और ना ही पी जेड का रिपल्शन होगा, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना उसको अपन पी जेड बोल देते हैं, जिस छोटा हो गया ना वो पी एक्स या पी वाई लिख लेते हैं और जो बढ़ गया ना वो भी पी एक्स और पी वाई जैसे हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, जो तीन ऑर्बिटल है ना जिनकी एनर्जी सेम थी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनका डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगा, मतलब उनकी एनर्जी टूट जाएगी, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, तो जो भी उस मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने लगाया उससे जो पैरेलल हो जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लो मेरे पढ़ा अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो किसी की एनर्जी कम भी होगी, तो ये एनर्जी कम होगी,
और एक जो होगा उसकी एनर्जी सेम रहेगी, ये अलग अलग हो गए थे। एक मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से एंटी पैरेलल हो गया, तो उसका अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया तो एनर्जी कम होगी, और एक जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है ना वो हमेशा जेड एक्सिस होता है। व्हाट इज सो, भाई आप कहते हो कि फुटबॉल है, सभी स्पेरिकल शेप में होता है, एटम इटसेल्फ स्पेरिकुलर शेप। उस फुटबॉल में बताओ एक्स वाई जेड एक्सिस कौन सा है, तो अपन कहते कोई नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता, मेरी मर्जी मैं इधर वाला जेड एक्सिस अज्यूम करूंगा। तुम कहोगे नहीं मैं ऊपर वाला जेड एक्सिस अज्यूम करूंगा, नहीं मैं फ्रंट वाला जेड एक्सिस अज्यूम करूंगा, तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस हम चूज करेंगे उस फुटबॉल में, और जो एक्सिस हम चूज करते हैं फुटबॉल में वो हमेशा जेड एक्सिस होता है। तो अगर मान लो मैंने चूज कर लिया कि भाई ये जेड एक्सिस है, तो तुम कहोगे ठीक है ये वाला एक्स हो गया तो ये वाला वाई हो जाएगा, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो आर्बिट्री एक्सिस, जो एक्सिस हमें चूज करना होता है किसी भी स्फीयर में, वो हमेशा कौन सा होगा, जेड एक्सिस। तो अगर ये जेड है तो मैं इससे परपेंडिकुलर लगाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड को एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को लगाओगे तो आइदर मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा बाय द एक्स और वाई। मतलब यहां पर ये जो परपेंडिकुलर होता है ये PZ होता है, ये PX और PY दोनों में से कोई एक होगा, तो ये PY और PX में से दोनों में से कोई एक होगा। बट अब इन तीनों की एनर्जी अलग अलग होगी, अगर तीनों की एनर्जी अलग अलग होगी तो मैं कहूंगा इनको, सिंस देयर एनर्जी इज डिफरेंट, दे आर कॉल्ड नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग देम एज अ नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये वर्ड भी कभी कभी यूज होते हैं, डीजेनरेसी का मतलब होता है देयर एनर्जी सेम, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी इन द ऑर्बिटल्स। और नॉन डीजेनरेसी का मतलब होता है द एनर्जी, द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, दैट इज डीजेनरेसी एंड नॉन डीजेनरेसी। ठीक है, वी गॉट द क्वांटम नंबर्स, हमें कैसे बताने क्वांटम नंबर्स। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हमें भी लिख लेना चाहिए, ठीक है, मैं उसको वर्ड्स में ही लिख देता हूं यहां पर, ऐसे बता देते हैं अपन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं ऐसे, जैसे यहां पर जो अपन ने लिखा उसके बेसिस पे एक छोटा सा सेंटेंस लिख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात पता है, एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, एवरी मैग्नेट हैज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, जैसे अपन को पता है अगर मान लो ये वायर है, एक इलेक्ट्रिक वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो वो ना मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वहां पर ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रखता है, इसको अपन कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तभी अपन से बोलते हैं ना कि देखो अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है और वायर अगर कहीं से कट है तो हमसे तुरंत बोल दिया जाएगा वहां से दूर रहना, वहां पर वायर है, व्हाट इज सो, क्योंकि उस वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। आप जरूरी नहीं कि आपको करंट तभी लगेगा जब आप वायर को टच करोगे, आप उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी जाओगे तभी आपको करंट लगेगा। अच्छा, हमसे कहते हैं वहां लाइव वायर है, दूर रहना वहां से, क्योंकि उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज। जैसे आपने सुना ना, वो ट्रेन के ऊपर बैठा था और वायर ने उसको पकड़ लिया, ब्लास्ट हो गया, डेथ हो गया। द रीजन इज दैट, क्योंकि हाई टेंशन वोल्टेज होता है उसमें, तो उनका इंड्यूस्ड फील्ड भी बहुत बड़ा होता है, उस फील्ड के अंदर कोई भी आएगा ना वो उसे अब्सॉर्ब कर लेगा,
right? So every moving charged particle is associated with the magnetic field. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज अ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग चार्ज पार्टिकल and all moving charged particle is associated with the magnetic field. So the electron in an atom has an induced magnetic field. So when the atom is placed in external magnetic field, then due to interaction of induced magnetic field of an electron with the external magnetic field, the electron will place itself in a particular region around the nucleus. In an atom, these regions are called orbitals. बस इन्हीं को अपन ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ये हमें पता चला कि भाई ऑर्बिटल अलग अलग कैसे, पता चला मुझे कि पीएक्स भी होता है, पीवाई भी होता है, पीजेड भी होता है. हमने एटम को कहां पढ़ा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ईच ऑर्बिटल इज, और हर एक ऑर्बिटल को, ईच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड. हमने क्या किया, हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया बाय अ वेव फंक्शन कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन. इस ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हमने साई से रिप्रेजेंट किया. ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, साई से रिप्रेजेंट किया. साई क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स. आपको पता है साई मैंने आपको कहां बताया था, श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट ना. सो ईच ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग हमको क्या करना होता है, वेव फंक्शन लेना होता है. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही वेव फंक्शन हमें किसी भी एटम के लिए बताने. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है ना, वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू वेव फंक्शंस. ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है, डिपेंड्स ऑन टू वेव फंक्शन. एक होता है रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा होता है एंगुलर वेव फंक्शन. इन दोनों पर डिपेंड करता है. ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं, रेडियल वेव फंक्शन को आर से डिनोट कर लेता है, और एंगुलर वेव फंक्शन को अपन ए से डिनोट कर लेता है. रेडियल वेव फंक्शन, जैसे एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, दैट इज द, हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना होता है वेव फंक्शन से. रेडियल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स
सिग्निफाइज के लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। इसलिए मैं उसको ऐसे भी लिख देता ताकि वो r स्मॉल r मुझे रेडियस बता दे। एंगुलर वेव फंक्शन सिग्निफाइज, ये सिग्निफाइज द वी कैन से दैट सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इस प्रेजेंट। तो फिर मुझे उसके लिए एंगुलर पार्ट चाहिए और एंगुलर वेव फंक्शन क्या लिखा था अपने, वो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, कितना एंगल्स है थीटा और फाई, इस टाइप से एंगल्स लेने होते हैं। अब जरूरत पड़ेगा तो मैं थीटा और फाई भी बता दूंगा। अब अपन थोड़ा सा इसमें फिर एक पार्ट देखते हैं। तो अगर किसी ऑर्बिट के बारे में मुझे बताना है तो आपने ये सब शुरू करने के पहले ही बताया था कि अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एटम में ढूंढना है तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अगर मुझे किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो मुझे किसके बेसिस पर ढूंढना पड़ेगा, क्वांटम नंबर्स के बेसिस। तो हर एक वेव फंक्शन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट होगा, मतलब इसमें n, l और m ये क्वांटम नंबर्स होंगे जिससे मैं हर एक शाई को रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब द शाई वैल्यू ऑफ साई दैट इज अ ऑर्बिटल वेव फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम नंबर्स। अगर मुझे n मतलब शेल का वैल्यू पता है, सब शेल का वैल्यू पता है और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है गिवन है वो पता है तो मैं पोजिशन बता दूंगा किस शेल में कौन सा सबशेल है और कौन सा ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे किस शेल के सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कैसे पता चलेगा, आर की वैल्यू से। सो रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एन एंड एल, तो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विल डिपेंड ऑन एन एंड एल। अगर मुझे एन और एल पता है तो मुझे रेडियल वेव फंक्शन पता होगा। और उसके बाद भाई अगर मुझे यह पता है कि कौन सा सबशेल है तो कौन सा ऑर्बिटल में बता दूंगा, तो एंगुलर पार्ट होगा। भाई अगर आप मुझे सबशेल बता दोगे तो मैं बता दूंगा कि अगर p सबशेल है तो l का वैल्यू 1 होगा और m का वैल्यू क्या हो जाएगा, p 0 1 और माइनस 1, तीन वैल्यूज होते हैं। थोड़ी देर पहले अपने लिखा था यहां पर कि अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0। ये पार्ट हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होता है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन हमें हर एक ऑर्बिटल के लिए लिखना होता है एटम में और वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन हमको बताएगा द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बेसिस पे। दो पार्ट देखने होंगे आपको, एक तो रेडियल वेव फंक्शन और एक एंगुलर वेव फंक्शन जिसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा। दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में काफी सारा पार्ट हो गया, ये वैल्यूज भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें वैल्यूज भी ना, इसके बेसिस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस पार्ट को ये नहीं बोलना चलो सर ने ऐसे ही बता दिया होगा, मैंने आपसे बताया, मैं आपको बड़ा लिमिटेड मतलब अपन उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ना इससे क्वेश्चन आएगा। लेट अस हैव दैट पार्ट जिससे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे या जेई में आज तक क्वेश्चन पूछे गए, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए उतना ही पड़ेगा। तो राइट दैट द फोर्थ क्वांटम नंबर विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन बट वो रिक्वायर्ड होगा, तो दैट इज स्पिन क्वांटम। इसको पर ऐसे ईच ऑर्बिटल हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल को अपन ने एक बॉक्स से डिनोट किया था, कंटेन टू इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जैसे अभी अपन लिख रहे थे ना ऐसे पी के तीन बॉक्स हैं तो हर एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, व्हाट इज सो पी में टोटल छह इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एंड द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल हैज ऑर्बिटल rotate on their own axis. In opposite direction. The spin of electron on its own axis is called magnetic spin. The spin of electron on its own axis is called magnetic spin. इसको भी मैग्नेटिक स्पिन बोलते हैं. ठीक है भाई, मैग्नेटिक स्पिन बोल देते हैं. तो पहले तो फिर मैग्नेटिक स्पिन भी देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्पिन. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे अपने पास दो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर लेता हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और ऑर्बिटल ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में होता है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस अस्यूम कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों ही इलेक्ट्रॉन हमेशा अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन. दोनों में नेगेटिव चार्ज है ना, अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे रोटेट करेंगे. मैंने आपसे कहा एक का स्पिन ऐसे होगा तो दूसरे का स्पिन ऐसे होगा. इसके लिए नॉर्थ है साउथ है, तो इसके लिए ये नॉर्थ है ये साउथ है. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, ये साउथ ये नॉर्थ, ये ऐसे रोटेट होंगे, इधर ऐसे घूम रहे होते हैं इस ऑर्बिट, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे होते हैं. मतलब जैसे अर्थ होता है ना, ऑर्बिट में रोटेट करता है और अपने भी एक्सिस पे रोटेट करता है. ये जो ऐसे घूमने वाला पार्ट है दैट इज अ मैग्नेटिक स्पिन, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा. तभी तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड से इधर पैरेलल है इधर एंटी पैरेलल है वो अपन ने पढ़ा. लेकिन जो अपने एक्सिस पर रोटेशन है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. द अपस्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन that is we can read that upspin of electron matlab ye upspin ho gaya for clockwise rotation. Rotation of electron the value of s is इसको अपन प्लस वन बाई टू ले लेते हैं. तो डाउनस्पिन के लिए क्या ले लें फिर, ये डाउनस्पिन हो जाएगी. मतलब इसके लिए आप प्लस वन बाई टू लेना चाहते हो, इसके लिए माइनस वन बाई टू. द डाउनस्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द वैल्यू ऑफ एस विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई. अभी माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू ही लेना जरूरी है या कुछ और ले लें, तो अपन कहेंगे कोई सारे इंटीजर तो आप ले चुके, होल नंबर सारे ले लिया, जीरो भी एस के ले लिया, एम में भी आपने माइनस साइन भी यूज कर लिया प्लस भी यूज कर लिया, सारे बचा क्या फ्रैक्शन, इसलिए अपन ने इनको माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू ले लिया. मतलब इसका कोई वो नहीं है कि भाई माइनस वन बाई टू इसलिए क्योंकि वो रोटेशन ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस ले लिया या माइनस ले लिया, ऐसा कुछ भी इनका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है. There is no classical analog of this. हमने तो बस सारे values हो गए तो जो values बचे हुए थे fraction ही बचे हुए तो लेना उनको शुरू कर दिया. तो quantum numbers, s spin quantum numbers का value जो है एक plus one by two ले लेते हैं एक minus one by two. Plus one by two for up spin, magnetic spin, so up spin. तो इसको आप magnetic spin of electron और magnetic spin of downwards electron. That is called up spin and down spin. ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर मुझे मैग्नेटिक स्पिन कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो अपन कहेंगे भाई मैग्नेटिक स्पिन कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट कर लो एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक स्पिन कैलकुलेट करना चाहूं तो अब स्पिन के लिए तो आई विल राइट लाइक दिस, देयरफॉर फॉर अप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 एच बाई टू पाई। एच बाई टू पाई को मैं डायरेक्ट एच भी लिख सकता हूं, कितना आया अपने पास 3 बाई 2 का हाफ ना, सो विल राइट दैट दिस विल बी 3 बाय 2, 3 बाय 2 इंटू हाफ इज 3 बाई 4। So we'll write that 1 by 2 into 3 by 2. So that will be h by 2 pi. ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट h। अब माइनस 1 by 2 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा बिकॉज वी कैन नॉट राइट अंडर रूट में माइनस साइन कैसे लिख सकते हैं, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो अपन लिखेंगे कि भाई डजंट मैटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वैल्यू ओपन यही लिखने वाले हैं, वो रूट ऑफ अपने रूट नहीं लिखा है, रूट भी लिखा है रूट ऑफ 3 बाई 4 डायरेक्ट h, मतलब इसके लिए भी मैग्नेटिक स्पिन विल बी इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 बाई 4 इंटू डायरेक्ट h, और इसके लिए भी इतना ही बताएंगे मैग्नेटिक स्पिन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 4 इंटू डायरेक्ट h। व्हाई इट इज सो, बिकॉज नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं रूट में। सो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा दैट एक्सप्लेन्स द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस अप स्पिन और डाउन स्पिन। अभी क्या होगा, जैसे दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव, ऑर्बिटल बहुत छोटा रीजन होता है, एटम ही बहुत छोटा, और उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन दोनों का नेगेटिव चार्ज है और अपन को एक साथ प्लेस करना है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज रिपेल करके दूर क्यों नहीं जा रहे हैं। दूर ना जाने का रीजन होता है बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक स्पिन, एक का स्पिन अगर ऐसे है तो दूसरे का स्पिन दूसरे डायरेक्शन में, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होने की वजह से वो एक ही जगह अट्रैक्टेड रहते हैं। द टू इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन ऑर्बिटल, इन द ऑर्बिटल remain in an orbital because they are magnetic, their magnetic moment get cancelled, moment get cancelled, ये इनका magnetic moment जो होता है वो cancel होता है, that's why they will remain in the same orbit. This was the reason they will remain in the same orbit, but their negative charge is not cancelled. But in an orbital, their charge is not cancelled. Not cancelled. Only magnetic moment is getting cancelled. Ek ka clockwise rotation hai, to dusre ka anti-clockwise rotation. This is about the quantum numbers and the information we require to solve the question. है हमने काफी ज़्यादा information पढ़ा, maximum जो भी information हमने चाहिए वो पढ़ा। अब इन पे basis question कैसे होंगे वो हमें देखना है कि आप question कैसे पूछे जाएंगे, और कोई extra information है तो आप वो भी हमें दे दो ताकि हम उससे question solve कर पाए। इसके बाद जब हमने magnetic quantum number पढ़ लिया, अब और spin quantum number पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ सकते हैं The rules for writing the electronic configuration, और उसके basis पे हमें कैसे question पूछेंगे वो हमें बताना पड़ेगा। Most of the questions will be that जो मैंने आपको बताया information, इसके basis पे ही हमसे questions पूछेंगे, बाकी और जो questions होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज अपन यही रुकते हैं और उसके बाद फिर next class में इसको continue करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में इसका काफी सारा पार्ट हो जाएगा जिसमें हम होमवर्क कर सकते हैं। तो अभी होमवर्क के लिए यू कैन से दैट एक्सरसाइज टू में, एक्सरसाइज टू का पार्ट वन हमने कुछ किया, सो आई थिंक 15 क्वेश्चंस किए थे हमने,
तो एक्सरसाइज टू का मतलब जो होमवर्क होगा वो मैं आपको बता देता हूं भाई, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज टू का पार्ट वन 15 टू 20 क्वेश्चंस, आप 15 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट टू आप फर्स्ट यू कैन से दैट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट थ्री उसमें भी फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें पार्ट फोर भी होगा, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन वन एंड टू, पार्ट फोर में कॉम्प्रिहेंशन वन एंड टू, कॉम्प्रिहेंशन वन एंड टू कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं आपको। दिस विल बी योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद हमारा क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे। That is all for today's class. Next class mein phir apan. So when is the backup class for introduction to chemistry? I think is week mein abhi hum kar lenge is week mein na. Main batata hu, mujhe yaad, matlab yaad hai, aap chinta mat karo, usko hum complete kar lenge. 100% is week mein ho jayega hamara. Theek hai? Okay sir. Theek hai. Chalo phir, that's all for today. Thank you. Thank you sir. Okay, welcome.